मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरपरस्ती में चले स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश व प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा के नेतृत्व में एसडीएम सुजानपुर शिल्पी बेगटा के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मांग की कि इस पूरे भ्रष्टाचार की न्यायिक जाँच करवाई जाए। राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की विजिलेंस से जाँच करवाए, लेकिन उस जाँच पर प्रदेश के लोगों व कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। जब स्वास्थ्य विभाग ही मुख्यमंत्री के अधीन है और विजिलेंस विभाग भी उनके पास है, तो इस जांच का कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश व प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रही है, क्योंकि ये मामला कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार इस मामले में भी लिफापोती करती है तो जनता का विश्वास सरकार व जनप्रतिनिधियों से उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा की सरकार इस मामले से क्यों घबरा रही है तथा न्यायिक जांच से इतनी क्यों डरी हुई है, इस पर प्रदेश की जनता अब विचार करने लगी हुई है। ऐसे में सरकार समय रहते इस मामले की न्यायिक जांच करवाए। ये जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग दोनों मुख्यमंत्री के अधीन है, इसलिए निष्पक्ष जांच विजिलेंस के माध्यम से नहीं हो सकती है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जिलाधीश के माध्यम से गवर्नर को मेमोरेंडम दिए, प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई और आज पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग ब्लॉक वाइज जो है पूरे प्रदेश में एसडीएम के माध्यम से गवर्नर को मेमोरेंडम भेज रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार को लेकर अपना स्थिति स्पष्ट करे और एक निष्पक्ष जांच जो है वो जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर की जाए।